सवाल कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक मोबाइल नंबर से दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, बैटरी डेड हो जाती है और हमें व्हाट्सएप पर इम्पॉर्टेंट काम करना होता है। जैसे मान लो कि हमारा जो व्हाट्सएप है इस फोन में है, ठीक है, इस फोन की बैटरी डेड हो गई है या फोन हैंग कर रहा है और हमें व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप बहुत ही आसानी से अपने फोन के व्हाट्सएप को किसी दूसरे फोन में लॉगिन कर सकते हो, यानी एक साथ में आप डबल फोन में अपने व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो, यानी एक मोबाइल नंबर से आप दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। इसके पहले हम इसके लिए व्हाट्सएप वेब का यूज करते थे, लेकिन दोस्तों कुछ दिन से व्हाट्सएप वेब ओपन नहीं हो रहा है। दोस्तों आप बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से एक नंबर से दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, दो फोन में अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हो, बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग एक नंबर रखते हैं, ठीक है, उनके पास दो फोन होता है और वो दोनों फोन में अपने व्हाट्सएप को यूज करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक मोबाइल नंबर से दो फोन में व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये व्हाट्सएप है, ठीक है, जैसे हमारा ये व्हाट्सएप है, हमें इस व्हाट्सएप को इस फोन में भी चलाना है। हमारा ये फोन डेड हो चुका है, बैटरी खत्म हो चुकी है या फोन हैंग कर रहा है, तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने व्हाट्सएप को किसी दूसरे फोन में लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होगा, आपको व्हाट्सएप के ऑफिशियल फीचर को यूज करना है। दोस्तों इसके पहले हम व्हाट्सएप वेब को यूज करते थे, दोस्तों कुछ दिनों से व्हाट्सएप वेब काम नहीं कर रहा है, तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल तरीका बताता हूं कि कैसे आप एक मोबाइल नंबर से दो व्हाट्सएप दो फोन में यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपली दूसरा फोन लेना है, ठीक है, जैसे हमें इस व्हाट्सएप को इस फोन में भी चलाना है, ठीक है। कैसे चलाना है, सिंपली आपको फोन लेना है, व्हाट्सएप को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आपको व्हाट्सएप को ओपन कर रहे हैं। जब आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो दोस्तों आपको नए सिरे से आपका व्हाट्सएप ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर टैप करना है, लेकिन दोस्तों इससे भी पहले आपको अपने फोन के व्हाट्सएप को एक बार अपडेट कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पर टैप करना है, ठीक है। अब आपको यहां पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा, आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना है, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। जब आप इस पर टैप करोगे आपको यहां पर एक नया QR कोड शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, आपको लिंक डिवाइसेस पर टैप करना है, ठीक है। यहां पर आपको लिंक ए डिवाइस पर टैप करना है, आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको इस QR कोड को इस तरह स्कैन करना है, ठीक है, आपको स्कैनिंग करना है। दोस्तों आप इस तरह बहुत ही आसानी से एक मोबाइल नंबर से दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, ठीक है, यानी आप अपने व्हाट्सएप को किसी दूसरे फोन में लॉगिन कर सकते हो, सिर्फ आपको ये ट्रिक यूज करना है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप वेब वगैरह कुछ भी ओपन नहीं करना है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो दोनों फोनों में सेम व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। इस तरह आप बहुत ही आसानी से ऑफिशियल तरीके से व्हाट्सएप को किसी भी फोन में यूज कर सकते हो, ठीक है। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे फोन की बैटरी डेड हो जाती है, फोन हैंग करने लगता है और अगर आपके पास कोई दूसरा फोन है आप उसमें लॉगिन करना चाहते हो तो दोस्तों इस तरह आप अपने व्हाट्सएप को दूसरे फोन में लॉगिन कर सकते हो। और दोस्तों जब आप इसको लॉगिन करोगे, ठीक है, आपको यहां पर शो होता रहेगा कि आपका जो व्हाट्सएप है वो किस डिवाइस में लॉगिन है, ठीक है, आप यहां पर देख भी सकते हो। इसका एक और फायदा है कि आप एक बार में चार डिवाइस में अपने व्हाट्सएप को लॉगिन करके यूज कर सकते हो एक साथ में, ठीक है। अब दोस्तों काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा दूसरा फोन है, ठीक है, जो हमारा दूसरा फोन है उसमें ऑलरेडी दूसरे नंबर से व्हाट्सएप रजिस्टर है, ठीक है,
तब हम कैसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों आप क्लोन ऐप यूज कर सकते हो, ठीक है, यानी आप एप्लीकेशन का क्लोन क्रिएट कर सकते हो। जो क्लोनिंग का फीचर होता है ये सभी फ़ोन में होता है, आप फ़ोन के सेटिंग में जाकर ऐप क्लोन को यूज कर सकते हो आप अपने फ़ोन में। दोस्तों आप व्हाट्सएप का क्लोन क्रिएट कर सकते हो और उस क्लोन में अपने व्हाट्सएप को लॉगिन करके यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप को लॉग आउट करना चाहते हो, इस फ़ोन से व्हाट्सएप को हटाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, लिंक डिवाइसेस पर टैप करना है, आपको यहां से अपने व्हाट्सएप को लॉग आउट करना है। सिंपली आपको डिवाइस पर टैप करना है, इस पर आपको टैप करना है, लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, आपको लॉग आउट पर टैप करना है, ठीक है, आपका जो व्हाट्सएप है वो लॉग आउट हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो यहां पर कोई भी डिवाइस शो नहीं हो रहा है। अगर हम इसको ओपन करें तो दोस्तों आप देख सकते हो पहले की तरह ओपन हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने व्हाट्सएप को किसी भी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।